नमस्कार दोस्तों, छत्तीस एफएडी में भर्ती आई हुई है। इन्होंने नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है, तो उसकी संपूर्ण डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या इन्होंने योग्यता रखी है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एल एम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जो पीछे अभी हाल ही में भर्ती हुई थी वो थी 41 एफएडी की, यानी 41 एफएडी में भर्ती अभी कंप्लीट हुई है। कंप्लीट नहीं, प्रोसेसिंग चल रहा है, उसका फिजिकल हो गया, रिटर्न एग्जाम भी हो गया है और जो मेरिट लिस्ट है वो आनी बाकी है। तो उस 41 एफएडी का हमने संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई थी, आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। यानी जब से फॉर्म भरे गए कब से उसकी पूरी पूरी डिटेल है वो वीडियो के माध्यम से हमने उपलब्ध करवाई थी, और उसके तैयारी के लिए भी जो क्लासें हैं वो भी डाली थी, और जो वहाँ पर फिजिकल हुआ था उसकी लाइव क्लास, सॉरी लाइव फिजिकल, लाइव फिजिकल की जो हुआ था उसके भी वीडियो हमने डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह 36 एफएडी के बारे में संपूर्ण डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे 36 एफएडी की फिजिकल डेट, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड सभी है वो आपको इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो विलंब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भर्ती कहाँ आई हुई है, तो ये 36 एफएडी में आई हुई है ये भर्ती रिक्रूटमेंट। तो इसका नोटिफिकेशन है वो 27 तारीख को जारी किया था। तो नोटिफिकेशन कब जारी किया था, यानी फॉर्म स्टार्ट कब हो गए, 27 मई को, और अंतिम डेट क्या है, तो अंतिम डेट है कि 21 दिन तक, यानी जब से नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 21 दिन तक आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो इसकी लास्ट डेट है वो 16 है, 16 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 16 जून 2022 में पहले पहले आपको फॉर्म भराना होगा। तो बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट है, उसके कितने कितने पद आए हुए हैं। तो मटेरियल असिस्टेंट एमए की दो पोस्ट है, जो एक ओबीसी किया और एक सर्विस, एक एक्स सर्विसमैन किया है, टोटल तीन पोस्ट है इसमें, सॉरी मटेरियल असिस्टेंट की, जिसमें यूआर की एक पोस्ट, ओबीसी की एक पोस्ट और एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है। सैलरी आपको मिलेगी 29,200। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, एलडीसी की टोटल तीन पोस्ट है, दो यूआर की, एक एससी की और एक एक्स सर्विसमैन की है। सैलरी मिलेगी आपकी 19,900 से स्टार्ट होगी आपकी। और उसके बाद है फायरमैन, फायरमैन की 14 पोस्ट है टोटल, जिसमें एक पीएच कैटेगरी के लिए आरक्षित है। यहाँ स्टार का मतलब है एक पीएच कैटेगरी जिसमें अच्छा चाहता है उसके लिए आरक्षित है ये एक सीट। उसके बाद है ट्रेडमैन मेट, ट्रेडमैन मेट की टोटल 150 पोस्ट है, जिसमें 94 यूआर की है, यूआर में इसमें 5 है वो बैकलॉग वैकेंसी इसमें शामिल है जो 94 है उसमें। और उसके बाद में 31 ओबीसी की है और 25 एससी की और 5 है वो पीएच कैटेगरी के लिए आरक्षित है। पीएच कैटेगरी में 5 है, जो वीएच कैटेगरी है उसकी 3 है और ओएच कैटेगरी है उसकी 2 पोस्ट है। उस प्रकार आगे एक्स सर्विसमैन की 32 पोस्ट हो गई और टोटल है वो 150 वैकेंसी है। इसमें सैलरी मिलेगी आपको 18,000 से स्टार्ट होगी। उसके बाद है एमटीएस गार्डनर, गार्डनर है उसकी टोटल 2 पोस्ट है, जो 2 यूआर की है, इसमें सैलरी मिलेगी 18,000 से स्टार्ट होगी। उसके बाद है एमटीएस मैसेंजर की एक पोस्ट है, वो भी यूआर की है। उसके बाद है ड्राफ्टमैन, उसकी एक पोस्ट है, वो बैकलॉग वैकेंसी है और सैलरी मिलेगी ड्राफ्टमैन को 25,500 से। अब यह तो बात हो गई वैकेंसी किस प्रकार किन किन की पोस्ट है, पोस्ट के बारे में डिटेल हमने दे दी है और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो भी हमने बता दिया है। फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एल एम स्टडी एंड जॉब पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद है यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। तो मटेरियल असिस्टेंट एमए के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट में, आपको अगर डिप्लोमा हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके। तो स्टेज फर्स्ट में रिटर्न एग्ज़ाम होगा, सेकंड स्टेज में कुछ नहीं है, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में। उसके बाद एलडीसी 12वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा और सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। उसके बाद है 3 नंबर पर फायरमैन में आप 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। आपकी हाइट है वो 165 सेमी बिना शूज़ के और चेस्ट है 81.5 सेमी होना चाहिए और 5 सेमी फुलाना, फुला के 85 सेमी आपके चेस्ट, और वेट है वो 50 केजी
होना चाहिए, ये किस में फिजिकल होना चाहिए, ये फायरमैन होना चाहिए। तो फायरमैन में पहले क्या होगा, रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर जो आपको 6 मिनट में क्लियर करनी है। उसके बाद वजन का होगा 6.5 kg जो 183 मीटर लेके चलना है। इसमें टाइम कितना मिलेगा आपको, तो टाइम 96 सेकंड मिलेगा, यानी 96 सेकंड मिलेगा आपको इसमें। उसके बाद है क्लीनिंग 2.7 मीटर, वाइल्ड रीच यार इंडियन ऑफ द बोथ फिट, लॉन्ग जंप होगा आपका, और क्लिंबिंग 3 मीटर विक्टिम एंड 3 मीटर आपको रशिया पर चढ़ना होगा। इसमें क्या क्या होता है, फायरमैन में फिजिकल होगा 1600 मीटर रनिंग होगी, और 2.7 मीटर जो गड्ढा होता है उस पर कूदना होगा, और 3 मीटर रस है उस पर चढ़ना होगा आपको। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा आपका, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। आगे है ट्रेडमैन मेट के, ट्रेडमैन मेट में 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें फिजिकल होगा 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर रनिंग होगी 6 मिनट में, और इंड्यूरेंस टेस्ट विद द वेट 50 kg 200 मीटर 100 सेकंड में, यानी 50 किलो वजन ले जाना आपको 200 मीटर दूरी पर, और कितने टाइम में, 100 सेकंड में। इसका वजन का वीडियो हमने 41 एफडी में जो वजन हुआ था, किस प्रकार वजन होता है, किस प्रकार फिजिकल होता है ट्रेडमैन मेट का और फायरमैन का, तो इसका हमने वीडियो बना रखा है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद है एमटीएस गार्डनर, एमटीएस गार्डनर में 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और एमटीएस मैसेंजर है तो भी 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें साथ में क्या बताया गया है कि 1 साल का आपको इस ट्रेड में गार्डनर और मैसेंजर में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन दोनों का क्या होगा, केवल रिटर्न एग्जाम होगा और सीधा रिटर्न एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा सीधा। उसके बाद है ड्राफ्ट मैन, तो उसमें क्या होना चाहिए, ड्राफ्ट मैन में 10वीं पास हो और साथ में 2 ईयर डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो इन द ड्राफ्ट मैनशिप में या सिविल में, क्या हो आपको, अगर ये 2 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा है इसमें ड्राफ्ट मैन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा अप्लाई नहीं करना, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई कर देना, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इसके में फर्स्ट स्टेज में रिटर्न एग्ज़ाम होगा, यानी एग्ज़ाम बेस पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो इसका इस प्रकार हमने संपूर्ण ये बता दिया है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज की, तो एज 18 से 25 साल के बीच होने चाहिए, और जो भी अलग अलग कैटेगरी है, जहाँ OBC है उसको 3 साल की अतिरिक्त छूट, SC ST को 5 साल के, और एक्स सर्विस मैन को 3 साल की अतिरिक्त छूट, और PH को 10 साल की, PH SC को 15 साल की, PH ST को 15 साल की, और PH OBC को 13 साल की अलग अलग छूट दे रखी है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगे, यानी आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट है वो आपको जो नीचे ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म कटा लेना, फॉर्म फिल करके अच्छी तरह से भर देना, ये फॉर्म है एक, ये पेज संख्या 6, पेज संख्या 7 और पेज संख्या 8, ये 3 आपको निकलवाने होंगे, और इसको आराम से फिल करके भेजने होंगे, वो हम बता देंगे आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के, तो डॉक्यूमेंट है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए लेटेस्ट, और अटैच ऑफ द कॉपी फ्लोइंग सर्टिफिकेट विल बी आल्सो सबमिट एप्लीकेशन, यानी आप 10वीं 12वीं जिसका आप पद के लिए आवेदन करना चाहते हो उसकी मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको लगानी होगी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आप जो भी लगाते हो, बर्थ सर्टिफिकेट ये आपकी 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, यानी SC ST OBC को कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और एक्स सर्विसमैन अगर अप्लाई करते हैं तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एक्सपायर एक्स सर्विसमैन की NOC होती है वो आपको इसके साथ में लगानी होगी, और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड काउंसलिंग ऑफ द लेटेस्ट 3 मेंबर्स ऑफ द विच ए लेटेस्ट 1 शैल बी ए स्पेशलिस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ तो इसमें क्या जो PHVH कैटेगरी से जो अप्लाई करते हैं उसका लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट है उनको लगाने होंगे, और सेल्फ एड्रेस रिन्यूअल फैक्स पोस्टल स्टैम्प, यानी आपको एक छोटा लिफाफा डालना होगा जिसमें एडमिट कार्ड की जो सेकंड कॉपी हमने बताई है वो सेकंड कॉपी इसमें डालनी होगी, और 25 रुपये का इसमें स्टाम्प वो टिकट लगानी होगी उस पर जो अंदर लिफाफे डालते हैं उसमें। इस प्रकार ये सारे डॉक्यूमेंट है ये सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो फॉर्म है ये फॉर्म फिल करके,
आपको ये फॉर्म है ये फिल करके और साथ में जो डॉक्यूमेंट बताया है वो डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेजने हैं। अब भेजना किस एड्रेस पर है, तो भेजना इस एड्रेस पर है, टू द कमांडिंग छत्तीस फील्ड अनाउमिनेशन रिपोर्ट पिन 900484 सी ओब्लिको 56 APO, इस पर आपको भेजना है और एक साइड फॉर्म करके आपका एड्रेस लिख देना। और जो अंदर आप छोटा लिखा हुआ एडमिट कार्ड वाले डालते हो तो उसमें ये एड्रेस है ये फॉर्म करके लिखना, और जो आपका एड्रेस है ये टू करके लिखना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म किस प्रकार फिल करना है आपको, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो चिपकानी है, फ़ोटो पर वो साइन कर देना। उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर, ये रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है ये आपको कौन से लगाने हैं, तो ये हम आपको वहाँ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट आप लगा सकते हो। यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ट्रेडमैन मेट नाम लिख देना, और नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका नाम जो 10वीं की मार्कशीट में है उसी प्रकार साफ साफ अक्षरों में नाम लिखना है। फादर डॉक्यूमेंट जो पिताजी का नाम है वो लिख देना, नेशनलिटी इंडियन लिख देना, रिकॉग्नाइज यानी धर्म कौन सा आपका हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म है वो धर्म लिख देना, सिख है ईसाई है जो भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी, यहाँ पर है 7 नंबर एज ऑन द लास्ट डेट, तो 16 तारीख यानी 16 जून 2022 को आप कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हुए हैं, तो उसकी ये डिटेल है वो यहाँ लिख देना। अब आपको डेट निकाल नहीं आती है तो उसका हम एक वीडियो बना देंगे, उसके माध्यम से आप डेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस लिख देना, तहसील डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड और आपकी पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो और गांव का नाम यहाँ लिख देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो एड्रेस है दोनों सेम ही है तो यहीं पर वो सेम लिख देना, अगर आप दूसरे स्थान पर रहते हो तो यहाँ पर वो दूसरे वाला स्थान लिख देना। उसके बाद है यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो भी आप लगाते हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो सभी यहाँ पर लिख देना। 11 नंबर पर है टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, यानी अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ यहाँ पर उसका नाम लिख देना। 12 नंबर पर है कैटेगरी ऑफ द विश अप्लाई, किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो, यूआर ओबीसी एससी पीएच सर्विसमैन और ऑथर, तो आप किससे अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे टिक कर देना है आपको। ये अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विसमैन, अगर आप सर्विसमैन से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये संपूर्ण डिटेल भरनी होगी कि आपके कब आपने ज्वाइन किया था कब आपने रिजाइन किया था उसके बारे में इन्होंने बताया है पूरा। चौदह नंबर पर आया अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं, अगर आप विकलांग हो तो आपको ये बनना नहीं, आपको खाली छोड़ देना, ये डेस्ट डेस्ट कर देना। 15 नंबर पर है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पहले कर्मचारी हो या फिर वर्तमान में हो तो यहाँ पर अगर हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। अगर यस करते हो तो ये फॉर्म आपको भरना है कि आपने कब ज्वाइन किया था, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, वो संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहे हो तो भी यहाँ पर यस या नो कर देना। लिस्ट ऑफ द इंक्लूज यानी जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट है वो लगा देना, यानी 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट आधार कार्ड 2 फोटोएं जाति प्रमाण पत्र एक्स सर्विसमैन का और पीएच कैटेगरी जो जो भी आप लगाते हो उसका संपूर्ण डॉक्यूमेंट लगाते हो उनका नाम लिख देना। यहाँ पर डेट लिख देना जिस दिन आप फॉर्म भरते हो और यहाँ पर प्लेस स्थान यानी जो आपके गांव का नाम है वो लिख देना और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जो आपके साइन करते हो बढ़िया बढ़िया वो साइन यहाँ पर कर देना। यहाँ पर ये आपको नहीं भरना है, ये खाली छोड़ना है, ये केवल क्या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है तो आपको यहाँ पर नहीं भरना है कुछ भी। ये फॉर्म हो गया 2 पन्ने का, ये तो बड़े वाले लिफाफे में जो फोटो कॉपी लगाते हैं उसके साथ में लगाना है। अब नीचे वाला ये है पार्ट टू, ये एडमिट कार्ड है आपका, तो यहाँ पर आपको डिटेल पूरी पूरी भरनी है जो भी उसमें भरते हो उस प्रकार के, तो इतनी डिटेल आपको 6 बिंदु तक भरना है, 1 2 3 4 5 6 तक आपको भरना है केवल, आगे नहीं भरना है कोई भी। उसके बाद जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये केवल वही भरेंगे जो आगे भर्ती वाले हैं, आपको यहाँ पर लिख देंगे इतनी तारीख को आपको टेस्ट आना है या यहाँ पर इनके सिग्नेचर होंगे। ये छोटे वाले लिफाफे में जो हमने बताया 25 रुपये की स्टैम्प लगा के, तो उस छोटे वाले लिफाफे में ये आपको उसमें डालना है आराम से फोल्ड करके और उसके अंदर डाल देना, यहाँ पर फोटो चिपका देना, यहाँ पर जो आवश्यक डिटेल है वो दे देना। ये तो हो गया फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग।
अब बात है एग्जाम के बारे में। फिजिकल का तो हमने बता दिया क्या क्या फिजिकल होता है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में आएंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, नंबरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार ये सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड है यानी इनके प्रश्नों का जो लेवल है वो कौन सा रहने वाला है, तो आप अगर 10वीं से अप्लाई करते हो, जो पोस्ट है 10वीं लेवल की है तो उसमें 10वीं लेवल का आएगा, 12वीं लेवल की है तो 12वीं लेवल का आएगा, अगर ग्रेजुएशन लेवल की है तो ग्रेजुएशन लेवल का इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। ये तो संपूर्ण जानकारी हमने उपलब्ध करा दी है, फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आराम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल LM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हमने 41 एफएडी के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी थी, उसी प्रकार अगर आप 36 एफएडी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।